एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ गया है, खासकर राजधानी बीजिंग और शंघाई को लेकर अधिकारियों ने चिंता जताई है। बीजिंग में कोरोना के ज्यादातर नए केस को एक बार से जोड़कर देखा जा रहा है। संक्रमण के 61 नए मामले ऐसे हैं जो इस बार के अंदर गए या फिर वहां जाने वाले लोगों के संपर्क में आए। ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय अब एक नया मुकाम हासिल करने जा रही है। 12 जून को वह दुनिया में सबसे लंबे समय तक शासन करने वालों में दूसरे नंबर पर आ गई हैं। इस मामले में वह थाईलैंड के राजा भूमिबोल अदुल्यादेज की जगह लेंगी। दर्ज इतिहास में अभी तक सबसे लंबे वक्त तक राज करने वाले फ्रांस के किंग लुई 14वें हैं, जिन्होंने करीब 72 साल तक शासन किया है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे पूरी दुनिया पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। बता दें कि किम ने हथियारों के निर्माण को दोगुना करने की घोषणा की है। उग्र सुरक्षा माहौल को इस फैसले का कारण बताया है। हालांकि विभिन्न देश उत्तर कोरिया के संभावित परमाणु विस्फोट के संकेतों की निगरानी कर रहे हैं। धरती पर रिहायश वाले इलाकों में गंदगी और कूड़ा आम बात है। लोग अक्सर जहां तहां गंदगी फैलाते रहते हैं। सफाई को लेकर तमाम अभियान भी चलाए जाते हैं। बावजूद हाल ही में माउंट एवरेस्ट समेत 4 पहाड़ों पर चलाए गए सफाई अभियान के दौरान टीम को करीब 33.8 टन कचरा मिला है। एक शाही वॉरशिप समंदर की गहराइयों में मिला है। यह 300 साल से भी पहले ब्रिटेन के पूर्वी तट पर डूब गया था। यह जहाज देश के एक होने वाले राजा को ले जाने के दौरान डूब गया था। इस शिप को लेकर शुक्रवार को शोधकर्ताओं ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल इन शोधकर्ताओं ने मलबे को नुकसान से बचाने के लिए खोज को 15 साल तक छिपा कर रखा था। भारतीय जनता पार्टी से बर्खास्त प्रवक्ता नुपुर शर्मा के विवादास्पद बयान के बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। नुपुर के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों के बाद अब उनके समर्थन में भी आवाज उठने लगी है। शनिवार को ही उत्तर प्रदेश में नुपुर के पक्ष में लोगों ने जुलूस निकाल कर प्रदर्शन किया। वहीं इसी मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी भड़काऊ पोस्ट किए गए। इसी मामले में यूपी पुलिस ने एक्शन लेते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। देश में इन दिनों कोरोना मामलों में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 8582 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक दिन में 10 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। बीते शनिवार को कोरोना के 8329 नए मामले सामने आए थे। कल के मुताबिक कोरोना मामलों में 3% का उछाल देखने को मिला है। बिहार में शनिवार को 7 स्थानों पर हुए सड़क हादसों में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है। इसी की जानकारी अधिकारियों ने दी है। पूर्णिया जिले के महिंद्रा स्कॉर्पियो के पलटने और पानी में डूबने से कम 9 लोगों की मौत हो गई है। कार सवार दुर्भाग्यवश वाहन से बाहर नहीं निकल पाए और उनकी डूबने से मौत हो गई। साउथ अफ्रीका के खिलाफ रविवार को खेले जाने वाले दूसरे T20 में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 पर सभी की नजरें रहने वाली हैं। टीम को पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में टीम इंडिया में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इन सब के बीच एक पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ने दिनेश कार्तिक को ही टीम से बाहर करने की बात कही है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। आज लगातार 23वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रखे गए हैं। आखिरी बार 21 मई को केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करने के फैसले के बाद पेट्रोल डीजल के दाम कम किए थे। सरकार ने पेट्रोल पर 8 और डीजल पर 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम करके लोगों को बड़ी राहत दी थी। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।